मीरा, ऑनेस्टली मैंने कोई गैप नहीं लिया था टीवी से. मुझे वो टाइम भी याद है जब लोग कहते थे कि ना ये एक्टिंग कर सकती है, ना ये कुछ और कर सकती है, तो वो दिल भी आपका टूटता है. कभी होता है कि हम दर्द से भी थक जाते हैं. सही. फिर मैं कहती हूँ ना से कि बस. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ माया अली और आपने मुझे देखा है अभी मीरा सेठी के साथ उनके शो पे. हेलो मीरा सेठी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और उनके यूट्यूब चैनल वॉच नाउ को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हम इनको एक बहुत ही क्यूट, चुलबुली और टैलेंटेड एक्ट्रेस की हैसियत से जानते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रगल क्या थी? आइए मिलते हैं माया अली से, लाइक यू नेवर सीन हर बिफोर. हेलो माया. हेलो मीरा सेठी. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आई एम गुड, आई एम सो हैप्पी कि आप आई. थैंक यू सो मच. आपने इतने प्यार से बुलाया और मैं ना कैसे करती. यू आर सो स्वीट माया. थैंक यू. 4 साल के बाद आप टीवी का एक प्रोजेक्ट कर रही हैं जी, और आपने मूवी भी की, आपने 2 मूवीज़ की, बल्कि 2 माशाल्लाह ब्लॉकबस्टर्स किए, तो आपने बीच में इतना बड़ा गैप क्यों लिया? मेरा ऑनेस्टली मैंने कोई गैप नहीं लिया था टीवी से. जब मेरी फिल्म तीफा इन ट्रबल आई थी तो मैंने वहाँ पर टाइम दिया, वो भी रिलीज़ नहीं हुई थी, तो मुझे परेड लव मिल गई. अच्छा. फिर मैं वहाँ पर चली गई और मुझे था कि मुझे ड्रामा करना है. कब करना है? एक अच्छा स्क्रिप्ट आएगा, एक अच्छी टीम. आपको पता है कि यहाँ पे किस तरह के ड्रामे बन रहे हैं और मुझे बिल्कुल आई थिंक कोई इस बात पर शर्म नहीं है कहते हुए कि वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो नहीं दिखानी चाहिए हमारे माशरे में. तो बस फिर ये एक अच्छा प्रोजेक्ट आया, अच्छी टीम आई, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे. इसमें कौन कौन है आपके साथ? इसमें मेरे साथ शहरयार मुनव्वर हैं. okay. डायरेक्टर इसको कर रहे हैं अंजुम शहजाद, जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, तो मैंने कहा ये मौका मिस नहीं करूँगी. एयर वाई के लिए मैंने कभी काम नहीं किया था. ओह रियली? जी. तो फिर मैंने कहा कि एयर वाई पे जाएगा सब कुछ. एक अच्छा कम्प्लीट पैकेज मुझे मिला था. ज़बरदस्त. तो आपकी शूटिंग शुरू हो चुकी है? एक तस्वीर मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पर. जी हो गई है मेरी, तो फर्स्ट स्पेल कम्प्लीट हो गया है. और आई थिंक अब आई डोंट नो ये आपका प्रोग्राम कब आएगा, तो तब तक मैं नेक्स्ट स्पेल पे भी चली गई होंगी. अच्छा. yeah. तो शहरयार ने तो अपना शोल्डर ही ब्रोक हिज शोल्डर नो, मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा था, तो अब वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? ऑनेस्टली मेरे उनके साथ अभी कोई सीन नहीं आए. अच्छा. और आई थिंक उनकी शूट हो रही है, पर ब्रेक उनका हो गया होगा, उसके बाद वो आएंगे. और मेरा ख्याल है कि जितनी स्ट्रेंथ वो जमा करके आएंगे, क्योंकि मैंने उनको कॉल की थी जब उनका ये था सर्जरी लंदन में, तो मैंने उनसे कहा शहरयार आप थोड़ी सी ब्रेक ले लें, क्योंकि उसके बाद उनके बड़े वो हीरो एक किस्म के सीन्स हैं इसमें. अच्छा, उनको बहुत पसंद है. एक्चुअली हीरो हैं अपनी एक्चुअल लाइफ में भी. तो मैंने उनसे कहा ब्रेक ले लें, तो उन्होंने कहा नहीं माया मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ. वो एक मुझे लगता है कि मेरे अभी तक करियर में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतना पैशनेट हो अपने काम को लेके. रात को सुनाए नहीं, खाने को खाना ना दें, पीने को पानी ना दें, काम करवा लें और वो आराम से फ्रेश आपको नज़र आएंगे. वाओ. या तो ये जोड़ी जो आपकी और शहरयार की है, ये आपके प्रोड्यूसर्स ने परे हट लव देखकर फिर उन्होंने सोचा कि वी मस्ट डू दिस. हाँ, मुझे भी यही लगता है कि मैंने परे हट लव देख के ही बोला था. सही. और आई थिंक मुझे इसके अलावा जितने प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए थे मेरा, उसमें भी शहरयार थे. अच्छा. तो हमारी कोशिश ये थी कि हम कोई ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट करें जो लोगों को काफ़ी टाइम तक याद रहे. आप इसकी कहानी थोड़ी सी बता सकती हैं या बिल्कुल भी नहीं? बता तो नहीं सकती, बस नाम है पहली सी मोहब्बत. और इतना ही कहूँगी, बहुत सी मोहब्बतें मिल जाती हैं पहली, और बहुत सी मोहब्बतें बस दिलों में रह जाती हैं. ओह माया, इज दिस अ पार्ट ऑफ योर डायलॉग? बस समझ जाएं. मैं तो समझ गई. आप अगर इस पे और बोलना चाहें तो. नहीं नहीं अभी नहीं. अच्छा ठीक है. तो मुझे एक बात बताएं, हम दोनों लाहौर की हैं जी. आप जब आपको टाइम मिलता है, मुझे आपके इंस्टाग्राम से पता चल जाता है कि आप लाहौर आ जाती हैं अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने. मैं लाहौर, कैलिफोर्निया और कराची के दरमियान रहती हूँ. बहुत इट्स वेरी टफ टू मैनेज ऑल ऑफ दैट. लेकिन कराची में जब मैं होती हूँ तो मुझे उधर माहिरा मिलती हैं दावतों पे, आयशा उमर मिलती हैं,
तो हमारी इंडस्ट्री में एक कंसेप्शन है, एक प्रीकंसीव नोशन है कि एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं हो सकती. और आप क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में? आई डोंट थिंक सो मीरा. और ये भी सच है कि इनसिक्योरिटीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ज़रूर होती हैं, लेकिन अल्लाह ने जिसका काम जिसको देना है उसको मिलकर ही रहेगा ना. आप ले सकती हैं आपका काम, ना मैं इस तरह से कर सकती हूँ. मेरी ज़ारा से बहुत अच्छी दोस्ती है. हम लोग शायद डेली फ़ोन पर बात नहीं करते, लेकिन हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम सब कुछ डिस्कस करते हैं. ज़ारा के बारे में वो क्या चीज़ है जो आपको बहुत प्यारी और क्यूट लगती है? ज़ारा सेफ उधर दिल की ना बहुत साफ है. हाँ. मेरा आप उनके दिल में जो होता है ना वो ऐसे आपके इधर, चलो ये अच्छी चीज़ है तुम्हारी और ये बुरी बात है. तो मैं उसके साथ हमेशा बहुत कंफर्टेबल होती हूँ. और मैं ज़ारा को बहुत पहले से जानती हूँ. कब जब से? आई थिंक 9 साल तो हो गए. नौ जब वो एक्टर भी नहीं थी. बिल्कुल. तो मैं उनको अस्मा आपा के थ्रू जानती थी. अच्छा, तो लाहौर में, क्योंकि अस्मा आपा होती थी. जी जी, मैं वो लाहौर में होती थी. तो बस उसके ज़्यादा है. और इसके अलावा मेरी उस्मान से बहुत अच्छी है. अब हम 10 मिनट उस्मान के बारे में बात करें. मैं तो 10 घंटे कर सकती हूँ बारे में. यार माया इतना समझदार, पोलाइट, स्वीट और अपने काम के साथ सिंसियर इंसान एक्टर मैंने नहीं देखा. आई नो आप शरियार का कह रही थी कि काम के मामले में, लेकिन उस्मान इज जस्ट आल्सो एट दैट लेवल. उस्मान के साथ तो मैंने शुरू किया था ना करियर अपना. तो उस्मान की वो शुरू में होता है ना कि आप कोई आ रहा है तो आप बैठ जाइए, आपको आके चाय का कप भी दे देना, ये सोचे समझे बगैर कि अच्छा कोई क्या कहेगा हमारे बारे में. बिल्कुल. तो वो जो इज्जत देना होती है ना, वो मैंने उस्मान से बेहतर कभी किसी को नहीं. आई 100% एग्री. मैं उस्मान की ट्विन सिस्टर प्ले कर रही हूँ. लेकिन ऑब्वियसली ये कास्टिंग चॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि इंडस्ट्री में जो मेरा बैकग्राउंड है, मुझे उस्मान में झलक नज़र आती थी अपनी काफ़ी हद तक. सो हम दोनों काफ़ी कह रहे थे कि ये हम जो बहन भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, हम दोनों बहुत इससे ये तो बहुत मज़े की चीज़ आने वाली है. स्ट्रेंज मीरा सेठी और उस्मान साथ में देखेंगे. ऑन ज़ारा के बारे में, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक फॉर यू ऑन ज़ारा? क्या ऑन ज़ारा मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था एज लीड, और हायसम हुसैन के साथ था. वो पहले सिंड्रेला और फिर ऑन ज़ारा, फिर उस्मान अगेन. तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ. बस मैं सुबह आती थी, मुझे हायसम बताते थे ये चीज़ें तुमने करनी, और हमने बहुत चीज़ें खुद से भी बोली नहीं है. लाइक उल्लू का पट्ठा, मच्छर, और फिर ओबी की बड़ी आई तुम, वो जो मेरा एक था उनका डायलॉग प्रिंसेस और सब कुछ सिंड्रेला. तो ओबी के साथ ना मुझे मुश्किल नहीं होती मेरा. वो मुझे समझते हैं, मैं उनको समझती हूँ कब क्या होने वाला है क्या नहीं. तो वो बहुत मज़े की चीज़ थी. नहीं पता था कि मतलब ऑन ज़ारा बन जाएगा. इंडिया से क्या रिस्पांस आया आपको? बहुत अच्छा था. आई थिंक उस्मान को मुझे मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने जाना था इंडिया, लेकिन संभव नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना कि क्या करना है, वहाँ जाके क्या करेंगे, यहाँ पर काम करना है. एक अच्छा फीडबैक था. और एक्टिंग की जब आपने काम अच्छा किया मेरा, फिर वो इंडिया गया, वो दुनिया भर की कोई जगह हो तो वो आपको ज़रूर उसको वो अप्रिशिएट करते हैं. बिल्कुल. तो माया आजकल जो ये हालात हुए हैं, फवाद ने कर लिया काम, सबा ने भी कर लिया, सबा कमर ने, माहिरा ने, सजल ने, अदनान सिद्दीकी ने, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं आप जैसे लोग जो मतलब आप एक्सप्लोर कर जाती इंडिया में. आई थिंक इफ़ यू हैड बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी. बट डज इट मेक यू सैड कि ये एकदम से सब कुछ बंद हो गया? नो नो, नॉट एट ऑल मेरा. आई डोंट थिंक सो. मैंने आपसे कहा ना कि मेरा अल्लाह पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीवर. आई थिंक हर मुसलमान को आना चाहिए, क्योंकि वो जो करता है वो अच्छे के लिए करता है. माहिरा को, फवाद को, सज्जल, मावरा, अदनान, उनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, और वो इतने अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के. पर जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, लाइक फहद मुस्तफ़ा, देन अगेन शान, फिर ये सब लोग, तो आई थिंक जो चीज़ हमें हमारे मुल्क से भी मिल रही है वो बहुत खूबसूरत है. बिल्कुल. मैं बिल्कुल आपसे इस बात पे इत्तेफाक करती हूँ. आई थिंक कि इधर इधर दो किस्म के स्टार्स होते हैं पाकिस्तान में, टीवी ड्रामा स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स. तो अगर आप माशाल्लाह एज यू मेड इट सो बिग, यू आर अ वेरी नाइस प्लेस, और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट यू आर हैप्पी. मैं सिर्फ सवाल इस हवाले से कर रही थी कि क्रिएटिविटी को लिमिट नहीं करना चाहिए, बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए फन में, ये तो मैं में बॉर्डर्स नहीं होने. बिल्कुल सही कह रही हैं आमिरा. आई थिंक अगर मैं यहाँ से वहाँ जाती, कोई और वहाँ पर जाते, तो आई थिंक उनकी चीज़ें जो हम लोग सीखने का हमें मौका मिलता. बिल्कुल. हमें क्योंकि मैं सभा के साथ एक बार मिली, उन्होंने कहा कि माया वहाँ पर काम करने का तरीका शायद ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, पर छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग सीख रहे होते हैं. तो ये शायद इस चीज़ पर मुझे लगे कि हाँ वो मौका नहीं मुझे मिला. बट हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, टीम्स हैं, काम है, कॉन्टेंट है, तो क्यों नहीं. तो आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस और फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है? आई रियली वॉन्ट टू नो.
अब मेरे मैनेजर साहब यहाँ पे बैठे हैं, वो पीछे से आवाजें दे रहे होंगे दीपिका। मेरी फेवरेट है। उफ, आई लव मैं नवान से बिल्कुल इस बात पे अग्री करती हूँ, शी इज द बेस्ट बेस्ट। ओके, तो दीपिका और एक्टर्स में मुझे आयुष्मान, मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आयुष्मान के बारे में आपको, क्योंकि ही इज क्वाइट इंडी, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत नेचुरल उनका काम है, मतलब वो ऐसे नहीं आते और काम, मतलब मुझे उनकी मूवीज देख के मुझे लगता है कि अच्छा ये चीज मुझे करनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो या आई रियली लाइक हिम। व्हाट इज द डिफरेंस इन स्टाइल बिटवीन आसिम रजा एंड एहसन रहीम, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ दोनों के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, स्कूल्स ऑफ थॉट है, तो कैसा लगता है आसिम के सेट पे होना और एहसन के सेट पे होना? आसिम के साथ मैंने पहले एड्स किए हुए थे मेरा, तो मुझे कुछ तो उनका पता था कि आसिम काम कैसे करते हैं, और एहसन के साथ तो टोटली मुझे नहीं पता था। उनका काम करने का डेफिनेटली डिफरेंट तरीका है, और मेरी पहली फिल्म है, हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी। बिल्कुल। एहसन आपको बहुत मार्जिन देते हैं, वो आपको कहते हैं कि अच्छा पहले आप करके दिखाओ जो आपको करना है और वो चीज़ें। आई थिंक उनका तरीका डिफरेंट है। अच्छा, वो डायरेक्ट नहीं करते पहले, पहले आपको करने पहले देते आपको है? हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि शायद एक्टर जो कर रहा है वो उसको बेहतर पता होगा कैरेक्टर। आसिम का ये है कि आसिम भी ऑब्वियसली बहुत मार्जिन देते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ सोची हुई होती है जो शायद हम लोग नहीं सोच पाते। हम तो एक्टर को लगता है कि बस हमें पता क्या करना है, तो आसिम आपको बताते हैं, बिठाते हैं, आपको कैरेक्टर समझाते हैं कि ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो। मुझे लगा कि मेरे अंदर अदा की बहुत कमी थी, मतलब डांस और वो सब कुछ, तो उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट आसिम को जाता है, क्योंकि आसिम ने हाथों की अदा, बात करने की अदा और बैठना कैसे, वो सब कुछ सिखाया। तो मुझे लगा मैं एक वो मेरी ना प्रमोशन हो, मैं इससे बेहतर कुछ कर पाऊंगी। अंग और अदा, अंग और अदा, आसिम और निगाह। आज से मुझे याद है कि मेरी लोग स्क्रिप्ट रीडिंग्स करवाते हैं, तो आसिम ने कहा कि इसकी डांस क्लासेस भी होंगी, तो निगाह जी उनके स्टूडेंट्स के साथ, मेरे 15 डेज का स्पेल था, तो डेली मैं कहती थी मुझे अच्छा डांस करना है, तो मैं तो बड़ा इन्जॉय करती थी। तो आसिम का बेटा ये नहीं करना, मैंने कहा जी इनको पुराने गानों पे बताएं, रेखा जी के गाने और वो सब, और मैंने कहा ये मैं फंस गई हूँ कहीं पे। लेकिन आपने किया बहुत प्यारा डांस। आई रियली होप सो, आई नो यू डिड अ ब्यूटीफुल जॉब। एंड जस्ट मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको मॉडर्न ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जब मैं देखती हूँ, आप जब जीन्स, फटी हुई जीन्स पहनती हैं, और जब आप टी शर्ट्स पहनती हैं, तो और जब आप अपनी वो दो पिगटेल्स बनाती हैं, और जब किताब के साथ बैठती हैं, पीछे फूल होते हैं, तो मुझे वो वाली माया, क्योंकि मैंने आपकी देसी माया तो मैं मुझे देखने को बहुत मिलती है, लेकिन जब आप वेस्टर्न और मॉडर्न में आती हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट यू डू बोथ ब्यूटिफुली, इक्वली वेल। सो आसिम इज मोर इंटरेस्टेड आई थिंक इन ब्यूटी, है ना? यस। हाँ, उनको ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो तो ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएगी, उनके एस्थेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें मैंने उनसे बहुत सीखी हैं, और मुझे अब बहुत खुजली होती है मेरा कि अगर मैं कोई काम करने जा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अच्छा आसिम, मतलब ऑब्वियसली आपने उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, आप बैठे कैसे हैं, आप बात कैसे करें। और आई थिंक अच्छी चीज़ होती है कि जब आप कुछ अच्छा सीख के निकलें। बिल्कुल। या आपकी ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में आपकी अम्मा हैं, आपके भाई हैं, आपकी नई भाभी हैं, आप नुमान भी हैं, आपके मैनेजर जो बहुत स्वीट और अच्छे इंसान हैं, जो आपको गाइड भी करते हैं, लेकिन आपके मतलब गुरुज़ में कौन है? जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलती है, स्क्रिप्ट मिलती है, तो आप पहली कॉल किसको करती हैं कि देखिए मुझे बताएं, एडवाइस दें? मेरा ये सवाल मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा, मैं ये बात करना चाहती थी कि आई थिंक फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली शायद कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में अल्लाह के अलावा। मैंने इतने धक्के खाए हैं, मैंने शायद गलत काम भी किया होगा। लेकिन माया कथा कलामी माफ़, मैं जब आपको ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे धक्के कहीं नज़र नहीं आते। वो खा लिए ना, अच्छा कर यहाँ तक, मतलब आपके सामने मैं बैठी हूँ, लेकिन शायद आपने वो टाइम नहीं देखा जब मैंने एज एन एंकर स्टार्ट किया था अपना करियर। देखा वो टाइम। यस, एग्जैक्टली। तो लोगों को लगता है मन माया लाया और माया आ गई, नहीं, मेरा तो बहुत लंबा प्रोसेस था एक। और मुझे वो टाइम भी याद है जब लोग कहते थे कि ना ये एक्टिंग कर सकती है, ना ये कुछ और कर सकती है, तो वो दिल भी आपका टूटता है। और आई थिंक मैं उनके लिए, उन लोगों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर वो ना कहते मेरा, तो आज मैं शायद यहाँ तक ना पहुँचती। कुछ लोग कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं एक्टिंग करने के, कुछ लोग अपने टाइम से और अपने हालात से सीखते हैं, तो आई थिंक मुझे हालात ने बहुत सिखाया। और जब कोई चीज़ अच्छी आती थी या बुरी आती है, तो मैं ऑनेस्टली, मेरे पास अगर स्क्रिप्ट हैं तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ प्लीज़ मैं अच्छा करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा कर दें कि मैं कोई काम जो दिल से करूँ वो कामयाब हो जाए, वह लोगों को अच्छा लग जाए।
तो बाकी मेहनत तो आपको पता है ना कि फिर अल्लाह कहता है मेहनत करो, बिल्कुल उसके बगैर तो फल नहीं मिलता। लेकिन कौन है वो जिनके साथ आप मतलब दिल की बात कर लेती हैं? कोई तो होगा। दिल की बात डिफरेंट है, काम की बात डिफरेंट है। दिल की बात के लिए मेरी जो फायजा है, बिल्कुल फायजा, मैं उनसे दिल की बहुत बातें करती हूँ और वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा मेरे मुँह पे कहती माया ऐसा ही होना चाहिए। नुमान वो मेरी फैमिली की तरह है, वो मुझे बहुत समझाते हैं। बाकी वक्त ने स्पेशली मीरा बाबा के बाद जी अब मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी बड़ी होगी और बहुत जल्दी स्ट्रांग होगी और पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती है। तो माया हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू लॉस्ट योर बाबा? 3 years back अभी 1st November That I know, yeah, so, okay, so yeah. ये था। और उसके बाद फिर जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आ जाए ना मीरा, तो फिर आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो बस फिर अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कि अल्लाह मियाँ ये करने लगी हूँ मैं, आगे आप जाने जो अच्छा होगा। चाहे अच्छा सम टाइम हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह आपने क्यों किया, ये गलत है जब मुश्किल वक्त आता है। वो ऑनेस्टली बताऊँ उस टाइम पे आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, पर कुछ अरसे के बाद वो आपके सामने चीज़ें खुलने लग जाती हैं कि अल्लाह ने कहाँ से कैसे आपको बचाया, क्या गलत हुआ। अभी कुछ अरसा पहले, साल भी नहीं इस बात को हुआ, तो मैं बहुत एक उस प्रोसेस में थी जिस पे मुझे समझ नहीं आती थी क्या करूँ। तो मैं नुमान मुझे हमेशा कहते थे कि आपका ट्रस्ट है ना तो दोबारा रखें, वो रखें। तो मैं कहती थी जी नुमान। अब जो चीज़ें मुझे 8 महीने पहले समझ नहीं आती थी, आज वो मुझे लगता है कि अल्लाह जो करता है वो बेहतरी के लिए करता है, बिल्कुल जो करता है। आपको पता है एक मेरे भाई ने मुझे एक दफ़ा ये कहानी सुनाई थी कि एक आर्टिस्ट था, फनकार, तो वो उसका फ़न आगे नहीं बढ़ रहा था और वो फंसा हुआ था, एक किसी कश्मकश में था या एक रट में फंस गया था। तो वो एक सूफ़ी बाबा के पास गया, उसने कहा कि मेरे लिए कोई दुआ करे, मेरे लिए कोई आपकी विश क्या होगी? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए दर्द की दुआ करता हूँ। वाओ। और मुझे जब अली ने ये बात बताई तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, और फिर जब मेरी भी ज़िंदगी में कुछ होता है ऊँच नीच आती है तो मुझे बार बार ये बात मेरे दिमाग में इस तरह वेव्स की तरह ये बात आती है कि जब तक दर्द नहीं होगा ज़िंदगी में तो आप खुशी को, अच्छी चीज़ों को कैसे अप्रिशिएट करेंगे? बड़ी गहरी बात है मीरा, कि कभी होता है कि हम दर्द से भी थक जाते हैं। सही। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह से कि बस ख़त्म करें इसको, ये इतना दर्द कैसे, क्योंकि समटाइम आपको फ़ील होता है कि आपका बड़ा भाई नहीं है, आपके बाबा आपके साथ नहीं, और आप मतलब गिव अप कर देते हो चीज़ों को। लेकिन दर्द का टाइम होता है मेरा, उसने गुजरना होता है और वो आपको बहुत सी चीज़ें सिखा के गुजरता है। और मैं कहती हूँ कि चलो अल्लाह कोई नहीं, इतनी बर्दाश्त है मेरे में, और दर्द दे दें और सह लूँ। और आप इतनी खूबसूरत स्माइल के साथ माया ये बातें जब कर रही हैं, आप में कैसे आती है इतनी, आई नो कि आपने कहा है कि आपका जर्नी मुश्किल भी रहा है जो शायद मैं देख नहीं सकी क्योंकि आई वॉज़ नॉट यू नो विद यू एट द टाइम, बट ये जो आपने कहा कि अब आपका किसी भाई या बाबा का साया नहीं है, तो आप क्या, आपके अंदर क्या बातें चलती हैं जब ये आप मतलब आई नो कि वी ऑल हैव फेथ इन गॉड एंड वी ऑल, हम सबका अल्लाह पे भरोसा होता है, बट इट्स ईजियर सेड देन डन, तो यू नो व्हाट आई मीन, तो आप कैसे अपने आप, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं अब कह रही हूँ तो आसान है, शायद आप मुझसे ये बात 5-6 महीने पहले पूछती तो मेरे लिए तो कहना भी उतना मुश्किल होता। और ये बिल्कुल उन लोगों के लिए भी है कि जो उस टाइम से गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते ना कि वक्त अगर वैसा नहीं रहा तो ऐसा भी नहीं रहेगा, बिल्कुल। तो हर चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है आपको, और ज़िंदगी यही है, यही चीज़ है। अगर आपको आज एक चीज़ होती है ना, आप कहते हैं कि अल्लाह मुझे दे दें, ये दे दें, मुझे चाहिए ये, तो मे भी अल्लाह आपकी दुआओं के सामने आपको वो दे भी दे बाद में, पर बाद में वो आपसे ले भी ले क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। तो आपसे क्या, किसने क्या ले लिया? आपका मतलब What happened in the last year? I mean, not like last year. मेरा ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, शायद लोग नहीं जानते और मौका नहीं मिलता लोगों को बताने का ना कहने का, बट होता है, हर एक के साथ होता है ज़िंदगी में। और मैं लोगों से कहती हूँ जितने लोग मुझे मिलते हैं कि बस सुकून, सब्र और बस अल्लाह पे यकीन, दैट्स इट। ओके, तो माया यू बीन इन लव, कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, पर अगर आपको ये लगता है कि कहानी प्यार मोहब्बत की है तो नहीं, और भी बहुत दुख है। नहीं बिल्कुल, और भी बहुत दुख है ज़माने में मोहब्बत के, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बट ये आपने बड़ी मुझे यू नो, मैं यूजुअली जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ तो मैं सवाल सवाल जवाब होता रहता है, बट अभी मैं थोड़ी सी वो हो गई हूँ क्योंकि आपने
मुझे लगा है आपको देखकर और आपकी जर्नी को फॉलो कर कर के यू बिन थ्रू समथिंग. अब वो चीज़ क्या है, अब जब वक्त आएगा आप उसके बारे में शायद बात भी करेंगी. आपने अपने बाबा की पासिंग के बारे में काफ़ी बात की और यू नो आई आप अकेली हैं और इस इंडस्ट्री में नो माया आई मीन यू नो इन दिस इंडस्ट्री जब औरत अकेली हो, जब एक एक्ट्रेस अकेला जर्नी कर रही हो तो मुश्किल हो जाता है काफ़ी. आई डोंट थिंक सो मीरा कि मुश्किल होता है. मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लोगों यहाँ पे लोग बहुत अच्छे मुझे मिले और बहुत से लोगों ने मुझे संभाला भी, बहुत से लोगों ने अच्छी चीज़ें भी मुझे बताई जिनमें आसिम भी हैं जिनमें एहसन भी हैं. उन्होंने समझाया चीज़ों के बारे में. कभी आपको नहीं पता चलता कि आप क्या करने वाले हो, क्या चीज़ गलत है क्या ठीक है. पर मुझे लगता है कि एक रोड है ना मीरा, अगर उसमें कुछ भी नहीं है ना और सीधी रोड है तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्पीड ब्रेकर क्या है, टूटी हुई सड़क क्या है. तो जब अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे ना फिर आपको सुकून आएगा, आप खुश होंगे कि अच्छा इतनी मुश्किलों के बाद अब यहाँ तक पहुँचे. तो मैंने कभी उन चीज़ों को डिसओन नहीं किया. मैंने रक्षा में भी ट्रैवल किया हुआ है, मैंने बहुत धक्के भी खाए हैं. सब कुछ करने के बाद जब मैं आज यहाँ बैठ के अपने आप को देखती हूँ ना, 10 साल पहले मैं क्या थी और कैसे यहाँ तक पहुँची, तो मैं बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और मैं लोगों का कि जिन्होंने इतना प्यार दिया. बिल्कुल मुश्किल एज अ लाइक एक औरत को लेके, एक लड़की को लेके, आई डोंट थिंक सो. अच्छा आपको नहीं लगता? नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है माया, आई हैव टू जस्ट बी ऑनेस्ट एंड से कि क्योंकि हमारा जो फ़न है इसमें हमारी लुक्स. अब देखिए मैंने मतलब 2 घंटे मैंने ये बाल ब्लो ड्राई किए आपके लिए, नेल पेंट लगाया, बड़ी सी अंगूठी पहनी जो स्क्रीन पे नज़र आएगी. मतलब आप देख रही थी कि ये इधर चीज़ें माइक लग रहा था, ये कपड़े किसी डिज़ाइनर्स की तरह से. हमारी इंडस्ट्री में ये होता है एक कि आपकी जो लुक्स हैं या आपका जो आपकी जो वाइब है या आपका जो करिज्मा है, जो कमोडिटी आप बेच रहे हैं वो एक बिस्किट नहीं है या चाय नहीं है, वो आप खुद हो इन अ सेंस, राइट? अगर किसी डायरेक्टर को मीरा सेठी की कॉन्फिडेंस नहीं पसंद तो वो नहीं मीरा सेठी को कास्ट करेंगे. अगर किसी डायरेक्टर को शाय लड़की नहीं चाहिए या एक आई थिंक ये कैरेक्टर की डिमांड भी होती है. मे भी कोई ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो मैं भी नहीं कर सकती, तो वो डायरेक्टर को भी पता होगा कि ये लड़की ये कर सकती ये नहीं कर सकती. तो उस पे जाकर उनसे सवाल करना कि मैं क्यों नहीं कर सकती या मैं क्यों नहीं कर सकता, वो गलत है. वो चीज़ मुझे लगता है कि वो डिफरेंट हो जाती है समटाइम. अभी क्योंकि मुझे इसलिए ज़्यादा पता है कि मेरे साथ 1-2 नए कैरेक्टर्स को उन्होंने लॉक करना है, ठीक. तो इतने ऑडिशंस ले लें और मैं कहती हूँ कोई भी ले लें, इतनी नई लड़कियाँ आ रही हैं, किसी का दिल ना टूट जाए, डिसहार्ट ना हो जाए. मैंने कहा नहीं, हमें वो एक्यूरेट वही चाहिए जो हमें चाहिए. सही. तो आपको लगता है कि आपने मुश्किल की बात की लेकिन आपने कहा कि अल्टीमेटली अच्छे लोग हैं, बहुत सारे और आई थिंक मेरा मानना यह है कि जब आप खुद दिल के बहुत प्यारे हो ना और अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग. आई 100% एग्री. बिल्कुल सही. आई एक्चुअली रियली एग्री विद दैट बिकॉज जो आप होते हो वो नज़र आ जाता है, नज़र आ जाता. और फिर दूसरे भी शायद शुरू में कोशिश कर लेंगे कि चलाकी इधर उधर की, बट एंड में फिर वो जैसे आप हो गए खुल जाते हैं. हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही है. शौकत खानम के लिए आप माया योर ब्रांड एम्बेसडर, आप ये क्यों करती हैं? शौकत खानम के लिए जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की कैंपेन्स थी, उस साल मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो मुझे वैसे ही कुछ अपने आप को सुकून के लिए चाहिए था क्योंकि ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आती आप क्या करें, किधर ढूंढें उनको. तो मुझे कॉल आई और मैंने कहा हाँ करते हैं, लेट्स डू इट. वो शुरू किया और फिर वो मुझे उस वार्ड में लेके गए जहाँ बच्चे थे कैंसर पेशेंट्स. मेरा मुझे लगा कि मेरा गम तो कुछ भी नहीं है, मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है. ये जो पेरेंट्स आते हैं और बच्चों के साथ बैठते हैं जिनको पता नहीं कि सुबह उनका बच्चा उनके साथ होगा कि नहीं होगा, वो गम जब मैंने देखा तो मैंने कहा ला मियाँ अगर इसके अलावा कुछ करना है तो मैं डेफिनेटली करूँगी. और हमारे एज एन एक्टर मुझे लगता है कि हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. हमें सिर्फ स्क्रीन पर आके प्यारा नहीं लगना, हमें सिर्फ 2 डायलॉग्स नहीं बोलने, और भी बहुत से काम है. मे बी आपकी कोई बात सुन के किसी की ज़िंदगी बच जाए, मेरी कोई बात सुन के किसी की ज़िंदगी बच जाए, तो इससे ज़्यादा क्या खूबसूरत बात होगी. That's beautiful. और आपके दिल के नज़दीक ये एक ये ब्रेस्ट कैंसर बहुत बहुत करीब है क्योंकि मेरी खाला उस पूरे प्रोसेस से गुजरी हुई, तो मैंने उनको देखा हुआ, अपनी कज़न्स को देखा हुआ है. वो मुझे लगता है कि ये कोई ये कैंसर एक लफ्ज़ जो है ना सुन सुन के अब हम लोग शायद यूज्ड टू भी हो गए, अच्छा कैंसर हो के ठीक है, पर ये बड़ा खौफनाक प्रोसेस है पूरा. तो जो वहाँ से निकलते हैं मैं उन्हें सर्वाइवर नहीं कहती, मैं तो नहीं कहती वॉरियर. ये तो मतलब ये जीत कर आए हैं, अपनी ज़िंदगी को वापस लेना है कम लोगों की बात है. बिल्कुल. तो आपकी अम्मी जो हैं जी, वो आपको वो आपकी ज़िंदगी में माया किस किस्म की क्या है वो आपके लिए? मेरे लिए वो सब कुछ है मीरा.
मैंने आज तक ये बात कभी नहीं कही और आज मैं पहली बार यहाँ पे बोलूँगी कि मेरी जो फैमिली मेरे अम्मा और बाबा की कभी नहीं बनी है ज़िंदगी में, कभी नहीं बनी। अच्छा। और वो शायद मेरी माँ हमेशा पूरी ज़िंदगी ये सोच के हमारे साथ रहें कि अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, या मैं ये नहीं कहती कि मेरे बाबा गलत है, बट वो होता है ना कि दो इंसानों में नहीं बन पाती, बच्चों के लिए वो दोनों साथ में थे, पर मैंने माँ को उस तरह से देखा कि मेरी माँ ने कहा कि नहीं अच्छा मैं अपनी बेटी के साथ अपने बेटे के साथ, वहाँ पर मेरे बाबा ने भी उतनी ही की मेहनत, लेकिन वो चीज़ ना मेरे जहन में बैठ गई हुई थी बचपन से लेकर अब तक कि अच्छा ये जो एक इवन दोनों की लव मैरिज थी। अच्छा। लव मैरिज के बाद के जो हालात मैंने देखे हैं वो मैं शायद, मुझे लगता है कि प्यार से डर ही लगे मुझे। पर उसके बाद मैंने अपनी अम्मा से कहा था फर्स्ट टाइम कि अम्मा अच्छा मुझे मुझे यहाँ जाना है काम करना है, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, बट बेटा कभी लेट डाउन नहीं करना क्योंकि मेरी अम्मा पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर से, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी तो शायद तुम्हारे बाबा ने आज तक जो मुझे नहीं कहा वो उनको मौका ना मिल जाए, तो मेरे पे बहुत प्रेशर्स थे ये सब कुछ देखने के, फैमिली ना बोले मेरे बाबा या अम्मा या इस तरह से, तो मैंने कहा नहीं अम्मा। फिर बाबा ने तो खैर बात नहीं की मुझसे काफ़ी अर्सा, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद उनके जाने से पहले वो भी खुश थे। और मैं टर्की में बताया था, मैं टर्की में थी। और एनीवे फिर ये हुआ और अम्मा को जब मैं देखती हूँ अब, तो अम्मा को देख के सुकून आता है। ऐसा नहीं कि हम झगड़ते नहीं, अम्मा का मेरा कोई नहीं होता, बेटी का जो रिश्ता होता है तो वो कभी नाराज़ भी हो जाती हैं, उन्हें चीज़ें बुरी भी लगती हैं, पर फिर हम लोग जो साथ में बैठ के खाना और वो डेली की डिस्कशंस, अच्छा मैं ऐसा कर लें ऐसा कर लें, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं पर कामयाब हूँ तो इनकी दुआ है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो आपके मामा अब्बा की लव मैरिज थी बट फिर नहीं बनी बिकॉज बहुत मुख्तलिफ इंसान थे शायद क्योंकि उस ज़माने में आपकी तो डेली फ़ोन पे बात नहीं होती थी, ना इस तरह के थे ना आपकी मुलाकात होती थी सब कुछ, तो वो जितना समझ आया जितनी बार मिले होंगे और उन्होंने कहा ठीक है वी आर मेड फॉर ईच अदर, पर शादी के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों ने कभी भी हमारे सामने उस तरह से झगड़ा नहीं किया। अच्छा। दोनों ने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा अम्मा के पास चली जाओ या बाबा से बात की तो मैं इससे नहीं करना, उन्होंने हमें हम बच्चों को उतनी ही स्पेस दी, उतना ही समझाया। इवन दो अगर कभी कोई गलत होता था मेरी अम्मा कहती थी खबरदार अगर अपने बाप से ऊंची आवाज़ में बात की, इवन बाबा मुझे कहते थे कि अपनी माँ से नहीं बात करनी ऐसे, वो मेरी बीवी है मैं जो मर्जी कहूँ या बात करूँ हमारे तो आप लोगों ने नहीं करना, तो यही चीज़ आई थिंक सीखी है हमने। बिल्कुल। और जो छोटी माया थी जो पिगटेल्स, मुझे तो वो आपकी पिगटेल्स वाली तस्वीर, इट्स टू क्यूट माया, यू मस्ट डू मोर ऑफ दोज। आपने मुझे कहा कि आप में वो अंग और अदायगी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप में जो क्यूटनेस है ना, क्यूट सबका, सब एक्ट्रेसेस का एक अपनी एक चीज़ होती है यू नो, बट आई थिंक द क्यूटनेस दैट यू हैव, यू हैड इट ऑल अलॉन्ग। तो बचपन में आप क्या खेलती थी, मतलब ड्रेसअप खेलती थी सब? नहीं, या आई यूज़ टू बी अ टॉम बॉय मेरा, मैं मतलब कभी भी मेरे अंदर मतलब कुछ भी पहन लिया, ट्राउजर पहन लिया और स्वेट शर्ट पहन ली या शर्ट, और कुछ भी नहीं पता था किसी की शादी। मैंने आपको इंटरव्यू के शुरू में कहा कि मुझे आप सबसे अच्छी लगती हैं जीन्स में, आई एम राइट माया की जो टॉम बॉय वाली रूह है वो बाहर आ जाती है, मतलब मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल होती हूँ उसमें, बट शलवार कुर्ता ये मेरी दो बहुत, मैं इनमें कंफर्टेबल होती हूँ। तो शुरू में तो नहीं पता था, फिर जब आपने आना होता एक्टिंग में तो फिर आपको हर चीज़ अपने उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, और जो शायद लोगों को नज़र आता है कि अच्छा ये माया है ये शायद मैं नहीं हूँ, मतलब मैं अपने कमरे में माया होंगी, मैं अपनी अम्मा के साथ माया होंगी, लेकिन आपको इतनी बनावट तो अपने करनी पड़ेगी। सही। या तो अम्मा ने कहा कि मरियम, माया अली मरियम तनवीर से ज़्यादा अच्छा नाम है, किसने आपको एडवाइस दी? मैं एक्चुअली, मुझे किसी ने एडवाइस दी, मेरी तो कुछ सुने भी ना उस टाइम पर मतलब आपको लगता है कि नाम मेरा है, मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था। अच्छा। और मैं बहुत बीमार हो गई थी जब मैं 9th में थी। अच्छा। तो मेरी अम्मा को किसी ने कहा कि नाम बदल दो ये नहीं सूट करता कभी किसी पे, तो अम्मा ने कहा ठीक है मेरे लिए मेरी बेटी इंपॉर्टेंट, तो मेरे बाबा ने कहा नहीं नाम तो नहीं बदला जाएगा क्योंकि मेरी अम्मा ने रखा है। बिल्कुल। तो वो वाली कहानी कलहदा शुरू हो गई, तो फिर अम्मा ने कहा अच्छा मैं तो बुलाऊंगी इसको। अच्छा। तो मुझे आधे लोगों ने माया कहना शुरू कर दिया, आधे ने मरियम। तो आपको क्या लगा उस वक्त, यू मस्ट हैव बीन, मतलब मुझे, मैं बहुत यूज्ड टू थी इन चीज़ों की। अच्छा। वहाँ 9th तक आते आते तो बहुत यूज्ड टू हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ठीक है, इवन तो जो मेरे फ्रेंड्स उन्होंने माया कहना शुरू कर दिया मुझे, तो जब मेरा पहला शो था तो उसमें मेरे दोस्त ने कहा तुम माया के नाम से शुरू कर लो, बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नाम। अच्छा, माया। मुझे हायसम ने भी बोला था क्योंकि मैंने हायसम को कहा कि हायसम आई थिंक मुझे मरियम ही कर लेना चाहिए वापस, उन्होंने कहा नहीं माया ठीक है। ओके, माया इज लवली, माया हर जगह
सेट हो जाता है ना, इट्स काइंड ऑफ, मैंने इसे सोचा नहीं वैसे। हाँ, मतलब माया में अगर आप बॉलीवुड में देखें तो काफ़ी एक्ट्रेसेस का फिल्म में नाम माया होता है, उसमें रोमांस, देयर इज अ रोमांस अटैच्ड टू द नेम माया। तो जब आप यूनिवर्सिटी में थी मरियम और माया के दरमियान, आपकी इमेजिन आपकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या होती थी? अल्लाह, ओके, सो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है ग्रेजुएशन में, और मास्टर्स मैंने मास कम्युनिकेशन किया है। साइकोलॉजी पढ़ने का भी एक रीज़न ये था मेरा कि व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो वो कहते हैं ना कि बचपन से आपकी चीज़ें जो आपके दिमाग में होती हैं वो निकलती हैं। मैं नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, ये बात भी किसी को नहीं पता थी, आपको फर्स्ट टाइम बता रही हूँ शो में। तो मैं नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, और फिर आपके क्या 18 की थी? नहीं नहीं, मैं आई थिंक 16 की थी। और उस टाइम पे जब मैं नर्वस ब्रेकडाउन हुआ जी, तो मेरी दुनिया बदल चुकी थी तब तक। मुझे याद है कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे और मैं पढ़ रही थी, और मुझे याद है मैं ग्लास पानी का उठाने के लिए गई, और उसके बाद मुझे होश नहीं थी। तो जब मुझे होश आया और मैं हॉस्पिटल में थी, तो मैंने कहा अम्मा बस अब घर चलते हैं, पता नहीं क्या हुआ है मुझे, तो बस घर जाके पढ़ना है। और मैं मतलब शाम हो गई, तो मैंने कहा बेटा आप ढाई दिन से, मतलब दो दिन से आप हॉस्पिटल में हैं, मुझे होश नहीं था। अच्छा, मेरे लिए बहुत डिफरेंट था ये मेरा कि ये मेरे साथ हुआ क्या कि मुझे होश नहीं, और एक 16 साल की लड़की के ऊपर। मैं घर आई और मुझे लगा मैं ठीक हूँ, जो भी मेडिसिंस थी, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस फील होने लग गए। मैं क्या, मुझे मेरे लिए क्या तकलीफ थी, मेरे लिए क्या था वो सब कुछ। उसी दौरान मैंने अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, देन जब उस पर आई अपने ग्रेजुएशन में, तो मुझे मेडिसिन देते थे डॉक्टर जो मुझे ज़ुबान के नीचे रखनी होती थी, क्योंकि मुझे बहुत बुरे फिट्स आते थे। एंग्जाइटी तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। तो इन जब फिट्स आते थे तो मुझे मेरे बाबा पकड़ते थे यहाँ से। एपिलेप्सी थी या क्या था? नॉट रियली, बट आप पहले शिवर करती थी मैं, और एकदम से मुझे याद ही नहीं है मेरा मेरे साथ क्या होता था। फिर मेरी पूरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, सारा कुछ, और मेरे थेरेपिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, वो सब कुछ। और वो टाइम जो लोग कहते हैं ना कि लोग शर्म खाते हैं बात करने से, एक्चुअली मैंने फेस किया है, और बहुत पहले, बहुत पहले। मेरी फैमिली में अगर आके कोई पूछता था अच्छा इसको क्या हुआ है, तो कहते कुछ भी, कुछ नहीं, ऐसे बस ऐसी तबीयत ख़राब है। और हमने कहीं जाना होता था तो मेरी, देते थे। मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे अपनी मेडिसिन रख लो, वहाँ पे कुछ ऐसा ना करना। और मैं हमेशा ये कहती थी कि मैं ख़ुद से कुछ नहीं कर रही, ये तो हो रहा है मेरे साथ। और फिर जो सेशंस होते थे मेरे उसके साइकेट्रिस्ट के साथ, और वो फिर पहले मेरे पेरेंट्स के साथ होते थे, फिर मेरे उनके साथ अलग होने लग गए। तो उनसे फिर मैंने खुल के दिल की बात करना शुरू की। मेरी अम्मा से या मेरे बाबा से कभी भी मेरा कोई फ्रेंडली बिहेवियर नहीं था, बड़े स्ट्रिक्ट अब्बा थे, रिस्पेक्टफुल बहुत ज़्यादा। और मेरी अम्मा भी, आई थिंक क्लास 10th या 9th की ही बात, नहीं आई थिंक 10th की बात है, तो मेरे घर में केबल नहीं थी। अच्छा, तो एक डॉक्टर, एक शो था उस पर बैठे हुए थे, इसी तरह से डॉक्टर्स का पैनल था, तो मैं वो देख रही थी, PTV पे था। तो मैंने जो सिम्टम्स वो बता रहे थे, एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, वो मुझे उस टाइम पे फील होते थे। तो मेरी अम्मा किचन में थी, मैं उनके पास किचन में गई, मैंने कहा अम्मा मुझे डॉक्टर्स बता रहे हैं ना वो सब कुछ मेरे साथ होता है अभी। तो मैंने कहा चलो बेटा जाके ना TV बंद करो, पढ़ने बैठ जाओ। तो पहली रोग जो मुझे आई थी वो यहाँ से आई थी, और एक साल के बाद। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बैठे हैं और आपको कुछ होने लग जाए एंग्जाइटी, और आपको हो कि अच्छा मुझे तो डिप्रेशन है, ये बहुत सालों से ही चल रहा होता है। कुछ ऐसी चीज़ आपको ट्रिगर करती है, बिल्कुल, तो वो बस ट्रिगर कर गई मुझे कुछ चीज़ें। तो माया, मैंने भी अभी मतलब मैं भी थेरेपी पे जाती हूँ, इनफैक्ट हाँ, अच्छा बिल्कुल। और मतलब थेरेपी पाकिस्तान में इतनी शेम अटैच्ड है थेरेपी के साथ, हालांकि थेरेपी क्या है, मेरी थेरेपिस्ट उधर बैठी होती है जहाँ जैसे आप और मैं बैठे हैं, और exactly. दिल की बातें करते हैं। मैंने इस पे बहुत लंबी तफसील से बात भी की है, तो खैर वो बिल्कुल एक अलग बात है। बट जाहिर है आपके अंदर जो ट्रॉमा होता है वो लोगों को नहीं पता होता। कभी कभी आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जब कहते हो कि मुझे क्यों घबराहट क्यों हो रही है मुझे, तो आपको घर पर प्रेशर था जो आपको घबराहट होती, स्कूल पर प्रेशर था? मेरा, मैंने बताया ना कि मेरे माँ बाप की नहीं बनती थी, तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट कर रही थी चीज़, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या। और स्पेशली जब मैं कहती हूँ ना पेरेंट्स को अपने औलाद से बड़ा फ्रेंडली एक रखना चाहिए रिश्ता, तो वो भी नहीं था। और मतलब किससे जाके मैं बात करती और क्या था मेरे साथ। पर जब वो सब कुछ होना शुरू हुआ तो मेरी अम्मा समझ गई ये बात, और फिर उनकी मेरी एक डिफरेंट, उनका मेरा रिलेशन शुरू हो गया। लेकिन मेरा, मैं हमेशा सोचती हूँ कि शायद मेरे पास मौका था, मुझे, मैं वहाँ तक पहुँच गई। ऐसी बहुत से लोग होंगे जो शायद नहीं कर पाते होंगे बात। और जब मुझे फिट्स आते थे ना मेरा, तो मुझे उसकी वजह से बैकबोन का सिवियर इशू अब तक चल रहा है, अब तक। और उसी दौरान मैंने काम शुरू किया मेरा,
उसी में मैं कराची जाती थी, मेरी अम्मा हमेशा कहती थी अपनी मेडिसिन अपने साथ रखना, वो किसी को नहीं पता, सबको पता है मैं हंस रही हूँ। माया ऑनेस्टली अभी मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहूँगी, बट यू नो आई डिडंट नो दिस अबाउट यू, जब मैं आपको देखती हूँ, जब हम मिलते हैं शोज, अवार्ड शोज पे मिलते हैं, जब मैं आपको सुनती हूँ, जब आप अवार्ड जीतती हैं, आप स्पीच देती हैं, जब आप मेरे सामने भी बैठी हैं, आप में एक इतना एक सब्र है जो आपने अपना लिया है आपकी बातों में, आपकी आपने अपना लिया आपकी, मतलब रगों में मुझे लगता है जैसे दौड़ता है। और आज आप मुझे ये बातें बता रही हैं, ऑनेस्टली आई हैड नो आइडिया दैट यू नो आपको 16 की उम्र से आपको एंग्जाइटी थी। आई मीन यू आर जस्ट, यू आर एन इनक्रेडिबली स्ट्रांग पर्सन। आई थिंक बन जाता है इंसान, मैंने आपसे कहा था कभी कभी आपके अंदर वो चीज़ होती है, कभी आपको हालात बना देते हैं और आपको लगता है कि शायद मैं हंस रही हूँ और वो सब कुछ, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में क्या है वो किसी को नहीं पता। आपके साथ क्या चल रहा है मुझे नहीं पता इस बारे में, बताऊंगी लेकिन वो क्या है वो नहीं पता चल रहा होता है, लेकिन हर इंसान की एक कहानी और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस कहानी की, उस पूरी चीज़ों की जो हम लोग नहीं करते। हम लोग बड़े जजमेंटल लोग हैं, आज इसने ये पहना है ये तो है ही ऐसी, आज इसने ये पहन लिया तो ये ऐसी ही है, ये बात उसको वो मार्जिन नहीं मिल रहा होता। मैं हमेशा ये कहती थी अपनी अम्मा से कि अम्मा मेरी ना मुझे एंजाइटी होती है, पर एंजाइटी डिफरेंट तरह की हो सकती है, कोई रीजंस होंगे। तो मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने बोला कि ये जो आपके साथ हो रहा है ना ये बहुत पुराना है, ये रात को उठ के और सुबह उठ के, रात को सोई और सुबह उठी तो कुछ हुआ नहीं है, अब आपको सोचना पड़ेगा। वो चढ़ते सूरज को सलाम, ये बहुत बड़ा सच है, कड़वा सच है, लेकिन ये है, इट्स अ फैक्ट। कल को शायद मुझे काम ना मिले तो कोई किसी को पता भी नहीं होगा कि मैं इस पार्टी में आई हूँ कि नहीं आई। तो आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री में थोड़ा चेंज आ रहा है? नहीं, 100 में से अगर 2 प्रोजेक्ट्स होंगे तो आई डोंट थिंक सो कि चेंज आएगा।